हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कन्वेटल। तो दोस्तों, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा एंड समझ ही गए होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है। तो दोस्तों, एक फ्रेंड है जिनका ये फेसबुक पेज है एंड मैं इस फेसबुक पेज का आज हेल्थ चेकअप लेने वाला हूँ एंड इस पेज पर एक इशू आ गया है, प्रेजेंस नॉट इस्टेब्लिश। तो दोस्तों, अगर आपके फेसबुक पेज पर भी सेम इशू है तो आप कैसे ठीक कर सकते हो वो क्लियरली इस वीडियो में बताया है। एंड दोस्तों, जो फेसबुक क्रिएटर्स न्यू हैं जिन्होंने अभी अभी फेसबुक पेज क्रिएट किया है उनके लिए ये वीडियो बहुत क्रिएटिव होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। एंड दोस्तों, जो मेरे रेगुलर विजिटर हैं, जो रेगुलर मेरी वीडियोस को देखते हैं दोस्तों, वो भी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको नॉलेज दी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आ गए हम अपने फ़ोन स्क्रीन पर। दोस्तों, आज मैं इस पेज का हेल्थ चेकअप लेने वाला हूँ एंड इस पेज पर एक प्रॉब्लम आ गई है, कुछ इश्यूज आ गए हैं। तो दोस्तों, उन इश्यूज को कैसे दूर करना है, अगर आपके पेज पर भी सेम इशू है तो आप ज़रूर देखिएगा। एंड जो न्यू फेसबुक क्रिएटर्स होते हैं दोस्तों, उनके लिए ये फेसबुक बहुत नॉलेजेबल होने वाला है क्योंकि उनसे रिलेटेड ही इस पर इशू है। तो दोस्तों, जो न्यू फेसबुक क्रिएटर्स हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड जो पुराने भी हैं वो भी ज़रूर देखें क्योंकि आई होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देगी, बहुत सारी नॉलेज देगी जो एक फेसबुक क्रिएटर्स को पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, फर्स्टली मैं आपको दिखाता हूँ इस पेज के फॉलोवर्स कितने हैं। तो हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं एंड नीचे जाकर के इस पेज के हम फॉलोवर्स देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये पेज के आ जाते हैं फॉलोवर्स। तो यहाँ पे 7 के फॉलोवर्स इन्होंने क्रॉस कर दिए हैं, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड 10K के बाद आपको पता ही है कि फेसबुक पेज पर आप इन स्ट्रीम एड्स को इनेबल कर सकते हो, बस एक क्राइटेरिया और पूरा करना होता है, वो होता है 30,000 वॉच टाइम का। एंड दूसरा इसमें है कि आप देख सकते हो इसके वीकली रीच 2.9 मिलियन दोस्तों इसकी वीकली रीच हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। एंड अब मैं दिखाता हूँ कि इस पेज पर ये मतलब कि 1K से तो ऊपर हैं तो ये एलिजिबल है या नहीं है। तो हम फेसबुक बिजनेस पेज ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है दांगामा कॉमेडी वीडियो। तो अभी ये पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इसकी रेड है, मतलब कि ये नॉट एलिजिबल है। आप यहाँ पर देख सकते हो अभी ये नॉट एलिजिबल आ रहा है, अभी ये इन स्ट्रीम एड्स के लिए तो एलिजिबल है ही नहीं, बट अभी ब्रांड कोलैब के लिए भी अभी ये एलिजिबल नहीं हुआ है। तो अभी हम क्या करते हैं, दोबारा से पेज पर आते हैं। एंड पेज पर आने के बाद अब मैं दिखाता हूँ इसका क्रिएटिव स्टूडियो ओपन करके कि इस पर आखिर क्या इशू आया है। तो हम यहाँ पे क्रिएटिव स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या कलर करना है, अब यहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन पे क्लिक करना है, इसके बाद आप क्लिक करना है पॉलिसी इशू पे। अब दोस्तों, इसका इशू क्या है, इसके इशू है प्रेजेंस नॉट इस्टेब्लिश्ड। तो दोस्तों, अगर आपके पेज पर भी सेम इशू है, आप डर रहे हो कि ये क्यों आ गया, मैंने अभी पेज क्रिएट किया है एंड ये क्यों आ गया है, इसको ठीक कैसे करना है एंड कैसे इससे डीलिंग करनी है, तो उससे सिंपली आपको कुछ नहीं करना, मैं सिंपली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। आपको कुछ हाइपर नहीं होना है, डरना नहीं है ये इशू देख करके। ये आता क्यों है बेसिकली वो मैं बता देता हूँ एंड हटेगा कैसे वो भी बताऊँगा। तो दोस्तों, ये क्यों आता है, आपने अभी अभी पेज ओपन किया है एंड अभी अभी आपके 1K से ऊपर हो गए हैं सब्सक्राइबर जो हैं, आपके फॉलोवर्स जो हैं वो 1K से ऊपर हो गए हैं। तो 1K से ऊपर होने के बाद आपको एक मोनेटाइजेशन का टूल मिलना चाहिए, वो क्या होता है, ब्रांड कोलैब मैनेजर। तो दोस्तों, वो ब्रांड कोलैब मैनेजर का टूल होता है, वो आपको मिलना चाहिए, बट अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि जबकि इन्होंने 7K क्रॉस कर दिए, मतलब कि 1K से बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, तब भी इनको अभी वो नहीं मिल रहा है। इनकी पार्टनर मोनेटाइजेशन जो है वो रेड है एंड यहाँ पर इनका मोनेटाइजेशन इशू आ गया, अदर मोनेटाइजेशन टूल मतलब कि एरर आ रहा है। तो ये क्यों आया, क्योंकि इसलिए आया ये। सो ये आप यहाँ पर दे सकते हो फेसबुक फॉर लेस देन 30 डेज। अब इस चीज़ को देखिए, आपको सिर्फ इतनी चीज़ देखनी है दोस्तों, फेसबुक फॉर लेस देन 30 डेज, आपका फेसबुक पेज जो है वो अभी 30 डेज ओल्ड नहीं है, आपके फेसबुक पेज को पुराना होना पड़ेगा। अगर आपको फेसबुक पेज मतलब पर फेसबुक पेज पर अर्निंग करनी है तो आपका फेसबुक पेज जो है वो 30 डेज ऑलमोस्ट पुराना होना चाहिए, जो कि अभी हम इसकी डेट देखते हैं कि ये कितना पुराना है, कब इसको बनाया गया था, कब इसको क्रिएट किया था, वो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि अभी इसको 30 डेज हुए हैं या नहीं। हम यहाँ पर नीचे जाते हैं, आप देख सकते हो कि डेट कहाँ पर देखते हैं, कभी ये क्रिएट किया जाता है।
यहाँ पे आती है, यहाँ पे पेज ट्रांसपेरेंसी पे आप देख सकते हो इसको कब क्रिएट किया था। तो इसको 22 मार्च को क्रिएट किया था। एंड दोस्तों अभी आज क्या है, आज है 17 अप्रैल। तो दोस्तों अभी जो है कि 17 अप्रैल हुई है, अभी तो एक मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दोस्तों यही रीज़न है कि अभी इसको 30 दिन पूरे नहीं हुए हैं फेसबुक प्लेटफॉर्म पर, इसी वजह से इसका ये इशू है। तो जैसे ही 30 दिन पूरे हो जाएंगे, 30 डेज पूरे हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका ये इशू ठीक हो जाएगा, आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 100% आपका अगर कंटेंट रियल है एंड ओरिजिनल है, आपका कहीं का कॉपी नहीं किया हुआ है, तो आपका ज़रूर पेज मोनेटाइज हो जाएगा, आप फेसबुक पेज से अर्निंग कर पाओगे। एंड दोस्तों इसके बाद जो फेसबुक न्यू के जो फेसबुक के क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अभी अभी फेसबुक पेज बनाया है, उनके लिए जो टिप्स हैं वो क्या हैं वो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप नए हैं फेसबुक पेज पर तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब कुछ भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों फर्स्टली आपको यहाँ पे सेटिंग ओपन करनी है एंड अपना यहाँ से आपको पेज इन्फो जरूर भर के रखना है। तो यहाँ पे हमने पेज सेटिंग ओपन कर ली, यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा पेज इन्फो का। एंड यहाँ पर आने के बाद आपको दोस्तों ये भरना है क्यों, फर्स्टली ये लोगों को पता होना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको ये भरा होना चाहिए इसलिए क्योंकि जब आप फेसबुक पेज को मोनेटाइजेशन के लिए भेजोगे वो अंडर रिव्यू में जाएगा, तो फेसबुक टीम आपका यहाँ पे पेज इन्फो फर्स्टली चेक करती है। अगर आपका फेसबुक पेज का जो ये इन्फो है ये भरा हुआ नहीं है तो आपके फेसबुक पेज मोनेटाइज नहीं होगा एंड कोई इशू भी आ सकता है। तो दोस्तों आपको क्या क्या करना है उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हो, बट जो फेसबुक क्रिएटर्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पे शॉर्टली बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको अपने फेसबुक पेज के बारे में लिखना है, आपके बारे में लिखना है एंड आप कैसी पोस्ट डालते हो उसके उस इस पेज के ऊपर वो लिख लेना है। कैटेगरी आप कोई सी भी 3 चूज़ कर सकते हो, बट एक करोगे तब भी चलेगा, एक तो करनी ही है, तो कैटेगरी वो चूज़ करनी है जिससे रिलेटेड आपका पेज हो। एंड फ़ोन नंबर दोस्तों आप डालो ना डालो आपकी मर्ज़ी है, अगर डालते हो तो यहाँ पर डाल के सेव कर दीजिए, अगर नहीं डाल रहे हो तो यहाँ पर माई पेज डज नॉट हैव अ फ़ोन नंबर इसको करके फिर सेव कीजिएगा, इसको खाली मत छोड़िएगा। एंड फिर सेकंड आ जाता है इसके बाद आपकी कोई वेबसाइट है या यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम अकाउंट है या फेसबुक अकाउंट है, कोई सा भी आप यहाँ पर लिंक डाल दो। एंड इसके बाद ईमेल एड्रेस, दोस्तों ईमेल एड्रेस ज़रूर से डालें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई आपको स्पॉन्सरशिप देना चाहता है, कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, अगर फेसबुक पेज अपना मतलब फेसबुक टीम ही आपसे खुद कॉन्टैक्ट करना चाहती है तो वो कैसे करेगी, तो इसके लिए आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आ जाता है एड्रेस का, दोस्तों एड्रेस ज़रूर डालना चाहिए क्योंकि जब आप मोनेटाइजेशन के लिए भेजोगे तो कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इनएलिजिबल मतलब के जो है आप मोनेटाइज कर सकते हो फेसबुक पेज को, और कुछ कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे अपना फुल एड्रेस पोस्ट कोड के साथ ज़रूर डालना है जिससे कि फेसबुक टीम को ये ना लगे कि आपका फेसबुक पेज किसी ऐसी जगह से है जहाँ पर हम मोनेटाइजेशन को अनेबल नहीं करते, मोनेटाइजेशन एलिजिबल नहीं हो सकती। तो आप एड्रेस को ज़रूर डालें, अपना स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, पोस्ट कोड सब कुछ डालें। इसके बाद यहाँ पे आप आ जाते हो कि आपका जो फेसबुक पेज है वो फेसबुक पेज पर आप कब कब अवेलेबल होते हो, तो इसको ऑलवेज ओपन पे रहने दें या फिर आप इन दोनों में से मतलब चूज़ कर दें, तो आप इसको करके सेव कर दीजिए। एंड इसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशन आप ना भी भरोगे तो चलेगा, ऊपर की ज़रूर भरनी है। एंड इसके बाद अब हम आ जाते हैं पेज पर, तो अब दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि आपको पोस्ट किस टाइप से करनी है, कैसे शेयर करनी है। अब मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, दोस्त ने क्या क्या पोस्ट किए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ एंड आपको कैसे करनी है वो भी मैं बताऊँगा। दोस्तों पेज को थोड़ा सा लोड होने देते हैं। लाइक दोस्तों ये पोस्ट हो गया, तो इस पोस्ट को आपको क्या करना है, मतलब कि आपने अभी डाला तो इसको शेयर नहीं करोगे एंड यहाँ पे आपको लाइक का बटन दिखता है। बहुत से लोग अपनी पोस्ट को जो न्यू क्रिएटर्स होते हैं वो अपनी ही आईडी से शेयर कर देते हैं एंड अपनी ही आईडी से लाइक कर देते हैं, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी ना करें, ना लाइक करें ना ही शेयर करें। तो इसके बाद अब आगे आ जाते हैं और दोस्तों अपना कॉन्टेंट ओरिजिनल डालें, कहीं से कॉपी कर अगर आप कहीं से कॉपी करके डालते हो तो वो रीपर्पस कंटेंट में आ जाता है एंड आपके फेसबुक पेज पे इशू आ जाएगा, फेसबुक पेज पे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, तो दोस्तों ये भी मत करना। एंड दोस्तों यहाँ पे देखो एक और मिस्टेक मेरे को दिखी है कि
कि यहाँ पे इन्होंने दो फोटोज को सेम डाला हुआ है। तो दोस्तों इनमें से या तो अगर आपको ओरिजिनल है तो एक को रहने दें, वरना दोनों को डिलीट कर दें। जैसे कि अगर आप दो पोस्ट को एक साथ डाल देते हो तो क्या होता है, आपके फेसबुक पेज पर रीपर्पस मतलब सॉरी रीयूज्ड कंटेंट का इशू आ जाता है, जो कि आपका जो मोनेटाइजेशन है वो बंद हो जाएगा अगर ये इशू आएगा तो आप इसे दो पोस्ट को एक जैसा सेम मत डालें, इससे आपका रीयूज इशू आ जाता है। दोबारा से बता रहा हूँ दोस्तों। एंड इसके बाद आप अपनी पोस्ट को कोई डाल रहे हो तो उसके पोस्ट के ऊपर लाइक मतलब ये ना लिखें कि इस पोस्ट को लाइक करें, इसमें जुड़ें, इसको शेयर करें तो एंड अपने अपनी राय बताएं, ऐसा किसी भी तरीके से कुछ ऐसा ना डालें जिससे कि लोग इनडायरेक्टली आपकी पोस्ट पर आएँ, इंगेज हों, क्योंकि अगर आप ऐसा होता है तो ये कहलाता है इनऑथेंटिक एंगेजमेंट, कि आप लोगों को इनडायरेक्टली फोर्स कर रहे हो अपनी पोस्ट को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए एंड पेज को फॉलो करने के लिए, जो कि मैंने कुछ पोस्ट पे देखा था। एंड एक चीज़ और है जो मैं बताना चाहता हूँ, इसके लिए मैं क्रिएटर स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ एंड कंटेंट लाइब्रेरी एंड यहाँ पर आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये वाली पोस्ट है, फर्स्ट पोस्ट जो है इस पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। इस लिंक पर क्लिक करें और पूरी वीडियो देखें, मतलब कि ये इनऑथेंटिक एंगेजमेंट में आ जाता है। तो दोस्तों ऐसा ना करें क्योंकि ये इनऑथेंटिक एंगेजमेंट में आ रहा है। एंड अपनी ही ओरिजिनल कंटेंट को शेयर करें, कहीं से कॉपी करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। एंड दोस्तों जो एक और चीज़ है वो मैंने देखी थी, यहाँ पर ऊपर देख सकते हो ये जो कंटेंट है इन्होंने डाला है, इसमें टाइटल इंग्लिश में बट सेकंड वाला जो है वो हिंदी में डाला है एंड थर्ड वाला जो है इसमें दोनों को मिक्स कर दिया है। तो दोस्तों जो फेसबुक के क्रिएटर्स हैं उनको ये नहीं पता कि जो हमें लैंग्वेज है वो एक ही सिलेक्ट करनी होती है। अगर आप दो तीन लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो, मल्टी लैंग्वेज में अपना टाइटल डालते हो तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप एक ही लैंग्वेज में डालें जिससे कि क्या होगा, आपका फेसबुक पेज मोनेटाइज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आसानी से मोनेटाइज हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आप इसका बहुत ध्यान रखें। यहाँ पे दोस्तों पूरा हिंदी में है एंड दोस्तों ये भी इनऑथेंटिक एंगेजमेंट में आ जाएगा। इस महिला की हरकत देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों आप ऐसा मतलब टाइटल ना डालें क्योंकि ये इनऑथेंटिक एंगेजमेंट में आता है। सीधा साफ सा मतलब कोई भी आप टाइटल डालें वो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिसकी न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।